तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो के उठ चुका हूँ मैं और अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने। ऊपर देखा तो भतीजी थी, वो खेल रही थी दोनों, तो मैंने भी उनके साथ थोड़ा खेली। उसके बाद मैं चला आया ऑफिस और ऑफिस आने के बाद मैंने देखा गाड़ियाँ आ चुकी थी और गाड़ियों को खाली वगैरह भी करना था, छोटी गाड़ियों में लोडिंग कराना था। इसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना था और मैंने देखा कि हमारे जो काम करने वाले वो काम कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। और ये भी देखिए काम में लगे हैं क्योंकि आज सेल थे, किसी और जगह डिलीवर कराने थे, तो ये सेल लोड होकर उसके बाद मैं अपने ऑफिस में आ गया। ऑफिस में कुछ पेपर वर्क करने लगा, उसके बाद मैंने देखा कि एक और गाड़ी आ चुकी थी क्योंकि उसको भी लोड कराना था। तो मैंने फिर किसी गाड़ी वाले को पेपर दिए और वो पेपर देने के बाद वो अपनी गाड़ी लेके चले गए। इसके बाद फिर से जो वर्कर से अपने काम पर लग गए और देखिए गोदाम कितनी भर चुकी है क्योंकि ये जो सीलिंग फैन बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि गर्मी मौसम आने वाला था। इसके लिए मैं फिर आ गया समोसे खाने, इसलिए मैं समोसे लेकर आया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी काम करने के बाद। अब काम करने के बाद फिर से देखा कि गाड़ी खाली होने लगी थी और जो वर्कर लोग हैं फिर से काम करने लगे थे, वो काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग, तो इनके लिए तो एक लाइक बनता ही है। इसके बाद मैं फिर से ऑफिस आ गया और ऑफिस में देखा कि बेर रखे थे, तो बेर मैंने बचपन में खाए थे, तो मैं फिर से आ गया बेर खाने और बेर खाए। इसके बाद फिर और भी काम हुआ, काम करते करते कुछ पता ही नहीं चला कि कब रात हो चुकी थी। और जब देखा रात में भी एक गाड़ी आ चुकी थी खाली होने के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी उस गाड़ी को भी खाली करवाया क्योंकि गोदाम पूरी फुल हो चुकी थी, बिल्कुल भी कहीं जगह नहीं थी माल रखने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह गोदाम भर चुकी है। इसके बाद फिर मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था और गोदाम भी हाउसफुल हो रही थी, तो इसलिए जो मेरे वर्कर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया और बहुत ही अच्छे से गाड़ी को भी खाली किया। और इसके बाद फिर मैं निकल गया अपने सब काम ख़त्म करके अपनी बाइक की ओर। मैंने बाइक में देखा पेट्रोल कम था, तो मैंने सोचा कि पेट्रोल डलाऊँ और इसके लिए मैं गया पेट्रोल पंप पर, तो वहाँ पर मैंने पेट्रोल को डलवाया। उसके बाद मैं फिर निकला घर पर और घर पर जब गया तो वहाँ पता चला कि बन रहा है चीला, तो चीला कुछ थे अजीब लेकिन अब मैंने खाए तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इसके बाद फिर मेरी जो भतीजी थी वो सभी फ़ोन चला रही थी, लेकिन बच्चों को फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, गंदी बात होती है। और मैंने भी उनके साथ थोड़ा कुछ मस्ती की और इसके बाद फिर इस वीडियो करते हैं पर एंड। मिलते हैं नए वीडियो।